हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रचना गोरा गांधी और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कि किस तरह से हमें आंवला का जूस बनाना है। फ्रेंड्स, हमारे जो बेनिफिट्स है आंवला के, वो इन तरह के केमिकल्स लाइक सॉर्बिटॉल, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट ऐड करने से कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हो जाते हैं। सो क्या है राइट वे आंवला जूस घर पे फ्रेश बनाने का? क्या आंवला जूस बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है? क्या हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं? क्या है राइट वे आंवला जूस पीने का और आंवला जूस पीने के बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपसे जो आंवला जूस बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो अगर अपने 1 मंथ सिंसियरली रोज सुबह नाश्ते के पहले, लाइक यू कैन टेक इट इन योर ब्रेकफास्ट। सो फर्स्ट यू हैव टू हैव दिस ग्लास ऑफ आंवला जूस एंड फिर आप आपका ब्रेकफास्ट कीजिए। सो आपको इतना डिफरेंस आपके हर एक चीजों में दिखेगा। प्रकार का होता है आंवला, सो फ्रेशली अभी ये मार्केट में अवेलेबल है। आई वुड से ये 3 से 4 महीना इजिली हमें अवेलेबल रहता है इंडियन मार्केट में। सो हम ये 3 to 4 months इसके सारे जो ये एडवांटेज है, इसके जो भी हेल्थ बेनिफिट्स है, उसे रीप कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, इसे रोज अगर पॉसिबल तो रोज इसे फ्रेश का फ्रेश बनाइए आंवला जूस। इसके बेनिफिट्स क्या है कि अगर आपने ये आंवला जूस पीना शुरू किया तो आपका मोशन काफी अच्छा होगा। इनफैक्ट इट इज नॉट ओनली अबाउट स्टूल कमिंग आउट, ये पित्त के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और मैक्सिमम जो एजिंग इश्यूज है, स्किन इश्यूज है, हेयर इश्यूज है, ये सारे पित्त की वजह से होते हैं। तो इससे पित्त का रेचन, यानी ये इट विल एक्ट एज अ लेक्सेटिव इफेक्ट। आपको आपके स्किन में डिफरेंस दिखने लगेगा। योर स्किन विल स्टार्ट लुकिंग यंगर एंड हेयर फॉल, यानी खालित्य पालित्य, हेयर फॉल एंड अर्ली ग्रोइंग ऑफ हेयर में ये काफी अच्छा काम करेगा। चाहिए तो एक पर्सन को ऑलमोस्ट 1 glass जूस बनाने के लिए 3 आंवले लेने चाहिए। क्या किया है कि आंवलों को वॉश कर लिया है। वॉश करके जो ये इसमें दाग होते हैं पतले पतले, तो ये इस तरह से मैंने निकाल लिया है, ताकि बस हमें पूरा इसका छिलटा नहीं निकालना है। जो जहां पे अगर आपको लग रहा है कि दागीले हैं, थोड़े से दाग लगे हुए, वो आप सिर्फ निकाल लें। और अभी आपको क्या करना है, जो दूसरा कंटेंट है वो है इसका खड़ी शक्कर। जी हाँ दोस्तों, मैंने हमेशा बोला है कि आंवला को सबसे इम्पोर्टेंट हमें खड़ी शक्कर के साथ खाना है। हम में से मैक्सिमम लोग इसे नमक के साथ खाना पसंद करते हैं, बट फ्रेंड्स, नमक के साथ खाने से इसके जो एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स है, जो रसायन है, यानी जो आपके बॉडी को एंटी एजिंग, पित्त कम करने के जो उसके गुणधर्म है, वो आप कहीं ना कहीं आपको अचीव नहीं होगा। तो आपको इसका ओवरडू नहीं करना है। आपको 3 आंवले के रस से ज्यादा, 3 या बड़े हैं तो 2 आंवले के रस से ज्यादा आपको ये जूस नहीं बनाना है। यह है तो आपको क्या करना है, जो ये मैंने आंवला चॉप किया है उसको इस तरह के बुलेट में आपको डाल। मुझे ये 1 glass जूस बनाने के लिए इसमें मैं धीरे धीरे पानी डालूंगी, लाइक आई विल स्टार्ट विथ इतना पानी मैंने 1 glass में डाला है। अब मैं इसका एक लीड लगा लेती हूँ। पहले हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ आंवला को जूस बना रहे हैं, उसमें हम खड़ी शक्कर नहीं ऐड कर रहे हैं। हमने क्या किया है, पहले सिर्फ आंवला का रस निकाला है। क्यों? बिकॉज मैंने मेरे उसमें बताया था कि हमें क्या करना है कि आंवले का रस हम हेयर फॉल के लिए भी यूज करने वाले हैं। बालों में लगाने के लिए मैं निकाल रही हूँ। सो आप क्या करें, इतना सा, बिकॉज बालों में लगाने के लिए हमें ज्यादा नहीं लगेगा। आप चाहे तो फिंगर से इसे प्रेस कर लें, या तो आप स्पून का यूज कर सकते हैं इसे प्रेस करने के लिए। अब ये मैंने बालों में लगाने के लिए इतना निकाल लिया है, बिकॉज ये मेरा तैयार हो गया है हेयर टॉनिक। इसमें क्या और चीजें ऐड करना है एक अच्छे हेयर टॉनिक बनाने के लिए, वो रेसिपी या वो फॉर्मूला मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूंगी। अब इसमें मुझे ऐड करना है खड़ी शक्कर। हेल्थ फ्रीक लोग बोलेंगे, ओ माई गॉड, आपने शक्कर ऐड किया है। मोमेंट यू ऐड शक्कर, इट बिकम्स मोस्ट अनहेल्दी फूड। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, इतने प्रमाण में खड़ी शक्कर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का हानि नहीं करेगा। और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हमें खाने के पहले शक्कर यानी तो मधुर रस का सेवन करना चाहिए। और मैं ये जो जूस है बिफोर माय ब्रेकफास्ट एडवाइस कर रही हूँ, तो नाश्ते के जस्ट पहले मुझे ये जूस पीना है, इसलिए इसमें 1 बड़ा चम्मच खड़ी शक्कर से कोई भी हानि नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आप इस जूस का सेवन कर सकते हैं। आप क्या करें कि सिर्फ खड़ी शक्कर की क्वांटिटी 1/2 चम्मच कर दें। इसमें मैंने बाकी का जो पानी है वो डाल रही हूँ, बिकॉज मुझे 1 glass जूस बनाना है। फ्रेंड, हमारा जूस बन चुका है। अभी मुझे इसे क्या करना है, सिर्फ इसे छान लेना है।
मैं आपको छानना भी क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इसका जो चौथा बचेगा यानी इसका जो रेमिनेंट है उसको भी हम मेडिसिनल यूज किस तरह से करेंगे वो मैं आपसे इस वीडियो में ही शेयर करने वाली हूँ। सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी आंवला जूसेस रेडी। अब बात ये जो मेरा बच चुका है अब इसका हम क्या करें, तो इसको स्किन को ब्यूटीफाई करने के लिए इसका बहुत ज्यादा रोल है। आपको चाहिए तो मैं एक अलग सा वीडियो भी इस पे बनाऊंगी, पर टाइम भी आपसे बताना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। ये जो बुरा है इससे आप नहाने से जस्ट पहले इस तरह से मसले थोड़ा सा लेके, बिकॉज इसमें शक्कर है विच एक्ट एज एन एक्सफोलिएटर, आंवले के ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स है और एंड फिर आप इसे वॉश कर लीजिए, सो यू विल सी द डिफरेंस इमीडिएटली। आंवला जूस इज रेडी। वाओ, बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज सो यम, सो टेस्टी एंड हेवन डिलीशियस आई वुड से, कि इसका टेस्ट तो इतना अच्छा है प्लस इसमें इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आपको इसे बना के पीने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एंड आप इसमें जो मैंने खड़ी शक्कर डाला है आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं आपके टेस्ट के अनुसार, बट एडिंग खड़ी शक्कर यानी खड़ी शक्कर इसमें डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो डोंट फॉरगेट टू एड खड़ी शक्कर इन आंवला टू रीप इट्स ऑल द बेनिफिट्स। पर अगर आपको लगता है कि ये जूस में आपको डाइजेशन का भी थोड़ा सा इशू है, एसिडिटी तो ही प्लस आपको डाइजेशन इशू है, तो आप इसमें इस आंवला जूस में थोड़ा सा जीरा पाउडर जरूर ऐड कीजिए। सो जीरा पाउडर खड़ी शक्कर टू योर आंवला जूस मेक इट अ परफेक्ट फॉर एसिडिटी एंड फॉर इनडाइजेशन इश्यूज। सो एंजॉय दिस ग्लास ऑफ आंवला जूस डेली फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स विदाउट फेल। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर हाँ तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप किस तरह के और वीडियोस देखना पसंद करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।